एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल पर वर्क किया था, पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन किया था, राइट, कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, और ज्योमेट्री जैसे टेट्राहेड्रॉन पे देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, कि टेट्राहेड्रॉन पे कैसे वर्क करना है। फिर देखेंगे पैरेललो पाइप, ठीक है, पैरेललो पाइप क्या होता है वो भी अभी समझ आ जाएगा, और टेट्राहेड्रॉन क्या होता है ये भी समझ आ जाएगा। वैसे तो एओडी में एक बार बताया था टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऐसे करके। ये 3D ज्योमेट्री है, और ये ABCD। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझना क्या है टेट्राहेड्रॉन। ऑलराइट, तो ये कुछ ट्रायंगुलर बेस्ड टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, जिसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर है, राइट। तो टेट्राहेड्रॉन का बेस अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रायंगुलर बेस्ड टेट्राहेड्रॉन। ऑलराइट, इसमें क्या होता है कि जितने भी वर्टिसेस हैं वो ऊपर एक पॉइंट से मिलते हैं सभी, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरे 3 फिंगर्स, 3 वर्टिसेस, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने मान लिया 1, 2, 3। अब इन तीनों वर्टिसेस को एक पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट कर दूं ऊपर, 1, 2, 3, तो ये जो शेप बनेगी बेटा यही होती है टेट्राहेड्रॉन। ऑलराइट, अब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करना है, मतलब क्या, देखो इसका वॉल्यूम वगैरह तो हम आगे देखेंगे, अभी अभी जस्ट इस पे वर्कआउट कैसे किया जा सकता है उसकी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखो जैसे ये टेट्राहेड्रॉन है, मैंने बताया था कोई भी ज्योमेट्री हो उस पर अगर आपको वर्क करना हो तो उसके एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लीजिए तो बेटर होता है। तो जैसे मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, तो दैट मींस अब क्या मुझे फायदा मिल जाएगा, अब मुझे फायदा मिल जाएगा जो ये ए लिखा है ना, इसे मैं वेक्टर ए बोल दूंगा, और जो बी है वो वेक्टर बी, और सी जो पॉइंट है उसका मान लेते हैं पोजिशन वैक्टर जो है वो सी है। ये पोजिशन वैक्टर्स हैं तीनों के। ऑलराइट बच्चों, पोजीशन वेक्टर से क्या फायदा होता है ये मेरे हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए, कि बहुत इजीली हम वर्कआउट कर पाते हैं फिर अगर पोजीशन वेक्टर है हमारे पास तो, और क्योंकि ये ओरिजिन से कनेक्टेड है सभी, तो इसलिए इनको मैंने क्या बोला है बेटा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ABC आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ABC। ऑलराइट, चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि लेट्स से G1, G2, G3, G4, ये 4 पॉइंट्स है, आर द सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेस, फेस हैं जो इसके। देखो ये टेट्राहेड्रॉन है, समझ पा रहे होंगे, 3 पॉइंट्स है, 1, 2, 3। इन्हें अगर मैं ऊपर हवा में कनेक्ट कर दूं, 1, 2, 3, तो कितने फेस बनेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो फेस है OBC, ये एक फेस होगा, एक होगा OCA, एक होगा OAB, ये 3 फेस आ चुके हैं, एंड एक है जो बेस है इसका, वो कौन है, ABC। तो 4 फेसेस हैं। ऑलराइट बच्चों, तो 4 फेस हैं इसके, और मैंने बोल दिया G1, G2, G3, G4 जो है वो इन चारों फेसेस के कौन है, सेंट्रोइड। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं ये निकालने जा रहा हूँ सेंट्रोइड, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। तो अगर इन सेंट्रोइड को मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं तो ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर मिलेगा, जो ये वेक्टर आएगा ना OG1, इसी को बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये कैसे निकाल सकते हैं भाई, सेंट्रोइड निकालना तो आता है, और जितने भी फेस हैं आप देख सकते हैं वो ट्रेंगुलर शेप है उनकी, ट्रेंगल्स हैं। जैसे OAC ले लो, OAC ये एक ट्रेंगल बन रहा है OAC, तो मैं कह देता हूं चलो लेट से इतने इतने आर सेंट्रोइड ऑफ फेसेस OAC एंड OAB एंड OBC एंड ABC रेस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टिवली। G1 जो है वो OAC का सेंट्रोइड है, G2 OAB का, G3 OBC का, और G4 है जो वो
ए बी सी का है। ऑल राइट बच्चों, अब मुझे ये पोजिशन वैक्टर्स तो पता है, ओरिजिन ओ होता है मतलब जीरो पोजिशन वैक्टर, जीरो वैक्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ओ ए सी है, ओ ए सी इसका सेंट्रोइड क्या होगा, नेम तो उसका ओ जीवन है, ओ को जीवन से कनेक्ट कर दिया, जो ओ ए सी का सेंट्रोइड है उस जी से, सॉरी ओ से कनेक्ट कर दिया, ऑल राइट, तो ओ जीवन वैक्टर आएगा। तो ये ओ जीवन वैक्टर कितना किसके इक्वल होगा, मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ जीवन किसके इक्वल होगा, जीरो प्लस ए प्लस सी बाय थ्री, ऑल राइट। ओ जी टू, ओ जी टू किसका है, ओ ए बी का, ठीक है, ओ ए बी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होंगे पोजिशन वैक्टर। अच्छा जी थ्री ओ बी सी, जीरो बी सी बाय थ्री, एंड ओ जी फोर ए बी सी, ए बी सी बाय थ्री, यहाँ पे थ्री आएगा। तो बेटा ये हो गए मतलब जो इसके पोजिशन वेक्टर हैं वो हो गए, ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं, एक मिनट रुको और लेट मी थिंक ऑफ इट जस्ट, लेट मी थिंक। देखो ओ जीवन कौन है, ओ ए सी का, ठीक है, ओके, एंड ए सी, ओके, एंड ए बी सी, क्या निकलवाने वाला था मैं, थोड़ा सा दिमाग से निकल रही है चीज, कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं। ऑल राइट देखो, हाँ ओके, एक मिनट ओके। देखो बच्चों ये पोजिशन वेक्टर आ गए हैं मेरे पास, जीवन जी टू जी थ्री जी फोर, जो चार पॉइंट्स हैं, राइट। अब देखो एक यहाँ पे होगा, एक इस फेस पे होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, अगर आप देख पा रहे हैं फेसेस को, ठीक है, एक इधर फेस है, एक इधर फेस है, एक इधर फेस है, और एक नीचे फेस है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन के। तो इन सभी फेसेस का जो सेंट्रोइड होगा वो यहाँ पे होंगे कहीं, तो अभी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, जो थ्री फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, ऑल राइट, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन सेंट्रोइड को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन, ये जो भी अपने सेंट्रोइड हैं, इन्हें मैं सामने वाले वर्टेक्स से कनेक्ट करता हूँ, जैसे जैसे ए बी सी है, इसका जो सेंट्रोइड है वो ये रहा, इसको मैं किससे कनेक्ट करता हूँ, ओ से, ठीक है। तो ए बी सी का सेंट्रोइड जो वो वेक्टर आएगा ओ जी फोर, ओ से कनेक्ट किया है तो ओ जी फोर, वो ये है, ये तो फिक्स हो गया, ये तो समझ आ गया सबको, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये जो फेस है मान लो ओ बी ए इधर वाला जो फेस है, जिसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला सी। अब मैं इसके सेंट्रोइड को इस सी से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली फिर जो ये फेस है ओ ए सी, इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, ये। अब मैं इस वर्टेक्स को उसके सेंट्रोइड से कनेक्ट करूंगा, तो जो तीन लाइन आएंगी वो कॉन्करेंट होती हैं, जैसे ट्राइंगल में होता है ना मीडियंस, जैसे ट्राइंगल में क्या होता है मीडियन, इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर कनेक्ट कर दो तो मिल जाते हैं हमें वैल्यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसा है, अगर बी को सामने वाले सेंट्रोइड से कनेक्ट करो, सी को उसके सामने वाले, और ओ को उसके सामने वाले सेंट्रोइड से कनेक्ट करोगे, तो जो लाइंस आएंगी ना बेटा वो कॉन्करेंट लाइन होती हैं, और अब मुझे बताना है कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और वो जो पॉइंट है वो इन लाइंस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं,
ठीक है बच्चों, ओके तो ऑल राइट, तो तुम ऐसे देखो थोड़ा, ये है टेट्राहेड्रॉन हमारा, ऑल राइट, ये इसके फेसेस हैं 1 2 3 एंड एक पीछे है 4, ऑल राइट बच्चों, एक फेस ये, एक फेस ये, एक पीछे 4 3 एंड नीचे वाला बेस 4, ये चार फेसेस हैं इसके, और ये चीज ये ऐसे दिखाई है मैंने थोड़ी, ठीक है ना, तो कैसे भी समझ सकते हो, जैसे अच्छी दिख रही हो आपको उसी हिसाब से मैं वर्कआउट करूंगा, ऑल राइट। तो जब मैंने इसको ऊपर वाले को इसके सेंट्रोइड से कनेक्ट किया और इसको इसके सेंट्रोइड से कनेक्ट किया, तो ये पॉइंट आ रहा है जिसमें ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ऑल राइट बच्चों। तो पहले तो मुझे ये वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कौन सा वेक्टर, पहले तो सबसे पहले तो OG4 है ही मेरे पास डायरेक्ट, क्योंकि ये O है और ये G4 है, तो OG4 तो मुझे मिल गया। अब मैं निकालने जा रहा हूं A, मतलब कोई भी निकाल सकते हो मर्जी है, ये A है, ये B है, चलो ये B है, C है, ये A है, ये O है, तो B को अब मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं ना, इसके सेंट्रोइड से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये वेक्टर आएगा कौन सा, BG वेक्टर, ओके, तो वो कैसे निकलेगा, BG वेक्टर, ये कैसे निकलेगा, तो मैं ये मान रहा हूं, मैं मुझे एक्चुअल में ये निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं ये मान रहा हूं जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा, ठीक है, वो इसे लैम्डा इंस टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा 1:1, ठीक है, लैम्डा 1:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है, ऐसा मैंने जस्ट मान लिया है, ऑल राइट, ओके। अब देखने की कोशिश करना जरा, तो बच्चों देखो जल्दी से कि क्या जो BG वेक्टर है उसको कैसे निकालेंगे हम, जब भाई B और ये G है, ये कौन है, OCA, OCA मतलब G1, तो बेटा BG1 है, ठीक है ना, तो BG1 को ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हमने माना है अभी अभी जस्ट लेट किया है, ये मान के चलो कि वो लाइंस कॉन्करेंट होती हैं, होती हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मैं प्रूव भी करा देता हूँ, तो वो लाइंस कॉन्करेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसका मतलब, तो मैंने पहले BG1 निकालूंगा, फिर कोई दूसरी निकालूंगा, फिर तीसरी निकालूंगा, उससे पता चल जाएगा, 3-4 मर्जी है, 2 लिख लो 3 लिख लो 4 लिख लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो जैसे BG1 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कैसे निकाल सकता हूं, अगर ये लैम्डा इंस टू 1 है, ठीक है, तो G1 कितना है, G1 आपको दिख ही रहा है और B भी आपको दिख रहा होगा, B तो B है, ठीक है, तो लैम्डा 1 इंटू G1, दिस वन 0 प्लस A प्लस C बाय 3, ऑल राइट, प्लस 1 इंटू B अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1, बेटा ये हुआ BG1। अब निकालते हैं C, चलो A निकालते हैं, A जो A सामने वाले फेस के सेंट्रोइड से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो सामने वाला फेस कौन सा है, OBC, तो OBC का जो है वो G3 है, तो AG3 निकाल रहे हैं हम, उसे मान लेता हूं वो λ2:1 के रेशियो में कर रहा है डिवाइड, ठीक है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस यहां पर अब जो आएगा वो आएगा G3, दैट इज 0B प्लस C बाय 3 प्लस 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन λ2 प्लस 1, ठीक है, BG1 हो गया, AG3 हो गया, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या, C के सामने कौन है, देखो C के सामने ये वाला फेस है OAB, हाँ बिल्कुल, OAB के कोरेस्पॉन्डिंग G2 है, तो CG2, तो 3, अब G2 कौन है, 0 प्लस A प्लस B बाय 3
वन टाइम ऑफ सी अपॉन लैम्डा थ्री प्लस वन, बेटा ये आ गया, ठीक है क्या? अब ये दोनों देखो, याद होगा इंटरसेक्शन में हम यही करते हैं, जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो लेट करते हैं कि ये लैम्डा इंस टू वन के रेशियो में है, ये म्यू इंस टू वन के रेशियो में है, अलग अलग रेशियो में हम लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने माना ये लैम्डा वन इंस टू वन के रेशियो में, लैम्डा टू इंस टू वन, लैम्डा थ्री इंस टू वन, ठीक है। और जो लास्ट बचा वो कौन है, ओ जी जी, कौन सा वाला जी है, ये फोर, ओ जी फोर, ए बी सी का फेस का जो सेंट्रोइड है, ओ जी फोर, वो ऑलरेडी है मेरे पास ओ जी फोर, ठीक है। तो क्या किसी पर्टिकुलर या एक मिनट देखो, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, डायरेक्ट ही दिखाता हूँ। इफ यू कैन सी, अगर मैं लैम्डा वन को थ्री पुट कर दूं, क्या लैम्डा वन को थ्री, लैम्डा टू को भी थ्री, लैम्डा थ्री को भी थ्री, ठीक है, तो ये तीनों इक्वल, चारों इक्वल हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर। देखो इसे थ्री पुट करो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर, ये कितना हो जाएगा, यहां से देख के मैंने बोला लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा थ्री इक्वल टू थ्री, तो आई विल गेट ऑल ऑफ दीज ए प्लस बी प्लस सी, आई थिंक ए बी सी ए बी सी ए बी सी बाय थ्री, बेटा बाय फोर, सॉरी ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर, ठीक है बच्चों, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आई होप सो, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फोर, देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, ओके लेट मी सी, लेट मी सी, देखो मैंने थ्री रखा है ना यहाँ पे, तो नीचे थ्री प्लस वन फोर बनेगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे फोर नहीं है, तो ओके हाँ 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 हाँ, ये तो बेटा जी फोर है, ओ जी फोर नहीं चाहिए हमें, हमें तो वो चाहिए कि किस रेशियो में डिवाइड करता है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं बता देता हूँ क्या चाहिए हमें, एक मिनट, ये थोड़ी सी मैंने मतलब लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम की है, मैं वेक्टर्स को गलत लिख लिया, बी जी वन, वेक्टर जो बी जी वन मैंने यहाँ पे लिखा है उसका मतलब तो ये होना चाहिए ओ जी वन माइनस ओ बी, ओ जी वन माइनस ओ बी, ये थोड़ा ही निकाल रहा हूँ मैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ जो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने लेट किया है, ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात मैं दोबारा से कर लेता हूँ, एक बार ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। देखो क्या मैं कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन होगा अगर एक वर्टेक्स और उसके सामने वाले फेस के सेंट्रोइड को कनेक्ट करूं, ठीक है, तो चार फेस हैं तो ऑब्वियसली चार ऐसे लाइंस पॉसिबल होंगी, और मैं कह रहा हूं ये कॉनकरेंट होती हैं, ठीक है, तो मैंने मान लिया जो कॉनकरेंट पॉइंट है वो पी है, मान लेते हैं ये पी है, ठीक है बच्चों, तो पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी या पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वी कैन से, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है ना बेटा, वो ये निकल के आए हैं, मुझे बी पता है जी वन पता है, ऐसे ही मुझे सभी चीजें पता थी, अब मैंने एक को मान लिया कि मान लेते हैं जो पी है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जो बी जी वन है उसको लैम्डा वन इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है, और मैंने मान लिया जो जो अलग अलग मैंने नाम लिखे थे, जैसे जैसे मैंने लिखा था कि ओ जी फोर, ओ जी फोर को मैंने माना था, ओ जी फोर को, ओ जी फोर तो मैंने अभी तक निकाला नहीं है, सॉरी मैंने ए और ओ बी सी, ओ बी सी इज जी थ्री, ए जी थ्री, जो ए जी थ्री लाइन है उसको मैंने मान लिया था, ए जी थ्री, हाँ ए जी थ्री को मैंने मान लिया था कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पी वो लैम्डा टू इंस टू वन के रेशियो में करता है, एंड जो बी जी टू होगा है ना, तो बी जी टू जो है आई थिंक बी जी टू ओ सी ए नहीं सॉरी बी जी वन आएगा, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जो बी जी वन लाइन है वो किस रेशो में डिवाइड करती है भाई, मतलब वो पी जो पॉइंट है उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, लैम्डा थ्री इंस टू वन के रेशो में,
मैंने ऐसे लेट किया था जस्ट, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करते होंगे तो हाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी। एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को इक्वेट करके देखा जाए इन्हें, और फिर जाके वहाँ से इक्वेशन बनाई जाए, और यू नो वेरी वेल जो ए बी सी होंगे, जो वेक्टर्स हैं ए बी सी, वो कोलिनियर तो नहीं होंगे, तो वहाँ से भी वैल्यू निकल सकती है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट देखो ना, ये तीनों पॉइंट कब सेम हो सकते हैं, व्हेन लैम्डा वन इज थ्री, व्हेन लैम्डा वन इज थ्री, जो फोर्थ वाली लाइन होगी उसके रेस्पेक्ट में जब पी की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, वो भी इसी चीज को फॉलो करेगी। वो कैसे निकालेंगे भैया, वो ऐसे निकालेंगे, ये है ओ और ये है, ये क्या है जी फोर, ठीक है ओ जी फोर, इसके रेस्पेक्ट में इसे मान लेता हूं लैम्डा फोर इंस टू वन के रेशियो में, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसे बोलूंगा बेटा लैम्डा फोर ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री प्लस वन इंटू जीरो, ये जीरो है ऑलरेडी, और डिवाइडेड बाय लैम्डा फोर प्लस वन, इसके रेस्पेक्ट में ऐसे बोलूंगा। यहां पे भी देख सकते हो, अगर लैम्डा फोर को भी मैंने क्या पुट कर दिया बेटा थ्री, लैम्डा फोर को भी अगर मैंने थ्री पुट कर दिया तो ये सभी चारों के चारों सेम हो जाएंगे, जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर होंगे, ठीक है। इसका मतलब हाँ एक कॉमन पॉइंट इन चारों पर लाई कर रहा है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम होने जरूरी हो, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री की डिफरेंट वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा हो कि लैम्डा वन को ये वन डालो, लैम्डा टू को थ्री डालो, लैम्डा फोर को टू डालो, ऐसे करके एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तब भी इंटरसेक्शन होगा, ये प्रूव हो जाता है। लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें क्या हो रहा है कि सभी सेम है और सब कुछ मिलके क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर मैं इसे ओ ना लेता और डी लेता, ए बी सी तो ले लिया और एक वेक्टर डी ले लेता, तो रिजल्ट आना था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर, ठीक है। ओ लिया है जनरली हम करते हैं इसलिए बताया है, अगर आप ओ मतलब ओरिजिन ना लेके इसे जस्ट एक डी वेक्टर लेते जिसका पोजिशन वेक्टर डी होता, ऐसा वर्टेक्स लेते अगर आप, तो इसमें कुछ नहीं था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर हो जाता, ठीक है। और ये जो पी आया है पॉइंट, जो पी पॉइंट आया ना यहां से ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर, अगर डी होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर आता, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये क्या है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, ये बात ध्यान रखें। तो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं कि अगर जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है ये पॉइंट मान लेते हैं, ऑलराइट, ये जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है जिसमें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और लेट्स से इट इज डी वेक्टर, देन सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विल बी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर, ये होगा। इस केस में जो डी था वो जीरो लिया था, ओरिजिन पे लिया था, इस वजह से ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर आया, ऑलराइट, अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर होगा, मेथड उसका भी सेम रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी मैंने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के थ्रू निकाले और मैंने देखा क्या ये सेम हो सकते हैं, तो मैंने पाया कि लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री और लैम्डा फोर जब थ्री हो जाएंगे तब ये सेम हो जाएगा। इससे बेटा एक और चीज पता चलती है, इससे एक और चीज पता चलती है कि जो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, जो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन है ना वो इन लाइंस को, किन लाइन को, बी जी वन, ठीक है, जो भी मैंने बताई ए जी थ्री, जितनी भी मैंने अभी लाइन बताई थी, उनको थ्री इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है, थ्री इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर एक की लेंथ मतलब एक पोर्शन की लेंथ टू है तो दूसरे की लेंथ सिक्स होगी, एक की लेंथ फोर है तो दूसरे की लेंथ ट्वेल्व होगी, थ्री इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है। ऑलराइट बच्चों, इन चीजों को
ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और मेन चीज ये है, मैं ये कह रहा हूं, ये रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, फिर भी दिमाग में रखें, पूछा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है। द मेन पॉइंट इज दिस, ये मेथड, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाला मेथड। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने तो पोजिशन वैक्टर को सजा लिया, ठीक है, पोजिशन वैक्टर को सजा लिया। फिर मैंने देखा, मतलब ऐसे सजा लिया कि इसे ओ नाम दे दिया, जीरो, इसे ए, इसे बी, इसे सी, ठीक। फिर मैंने कहा किसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, कि भाई सामने वाला वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स और उसके सामने वाले फेस का सेंट्रोइड, फिर एक वर्टेक्स उसके सामने वाले फेस का सेंट्रोइड, जो ये लाइंस है ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सबके सेंट्रोइड निकाले फेस के, ठीक है, ये लिख दिए। अब सामने वाला वर्टेक्स पता है, तो अब मैंने माना जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, ठीक है ना, जो उसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, उसके एंड पॉइंट के मुझे पोजिशन वेक्टर्स पता है, तो मैंने मान लिया जो वो इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी इस लाइन को लैम्डा वन इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रही है। दूसरी लाइन के लिए ये रेशियो मैंने लैम्डा टू इंस टू वन लिया, तीसरी के लिए लैम्डा थ्री इंस टू वन लिया, और चौथी के लिए लैम्डा फोर इंस टू वन लिया। फिर मैंने पाया कि लैम्डा वन टू थ्री फोर सभी जब थ्री हो जाएंगे तो ये नंबर सेम आ जाएंगे, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय फोर, ठीक है। इसका मतलब वो पॉइंट इन सभी लाइंस को थ्री इंस टू वन के रेशियो में भी डिवाइड करता है, ये रिजल्ट भी मेरे पास बेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कार्य विधि थी, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ऑल राइट बच्चो, देन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। ओके बच्चों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल पाइप, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट क्यूबॉइड है, या यू कैन से इट प्रिज्म ऑफ स्क्वायर बेस्ड, पाइप्ड, ठीक है, प्रिज्म ऑफ स्क्वायर बेस्ड, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म है ये, और कुछ नहीं है, ठीक, ओके, बना देते हैं। देखो, ऑल राइट, बेटा ये है हमारा पैरेलल पाइप, ठीक है, ये क्यूबॉइड वही है, ओके। तो इसमें देखो आप कैसे वर्क करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये तो आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऑल राइट, ये इसके वर्टिसेस हो गए। अच्छा, ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे सामने वाला फेस है, ये वाला फेस, तो चलो इसे ऐसे कर देता हूँ, ऑल राइट, ठीक है, ये सामने वाला फेस है, ये पीछे वाले फेस है, इसमें ऑब्वियसली ये भी लाइन मुझे दिख रही होगी, तो जो लाइन दिख रही है उसे मैंने डार्क कर दिया, जो नहीं दिख रही होगी वो डॉटेड लाइन है। ऑल राइट बच्चों, तो ये हमारा पैरेलल पाइप बन के तैयार हो चुका है। अब इस पर कैसे वर्कआउट करना है ये ध्यान से देखें। जैसे इस पर मान लो कुछ भी बोला जाता है, मान लो ये बोला जाता है कि जो इसका डायगनल होगा ए एफ और डी जी, ए एफ और डी जी जो इसका डायगनल होगा वो एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ऑल राइट, तो मतलब ऐसे कुछ भी वर्कआउट कराना हो तो तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, वहां से हम अलग अलग चीजें निकाल के बताएंगे आपको। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, ओ को ओरिजिन मान लिया, ओ को क्या मान लिया, ए को ओरिजिन, ठीक है, ओके। अब इसको मैंने बी मान लिया, जो इनका नाम है वही ले रहा हूं, ये डी है, ये दो वेक्टर हैं, ये और ये, ठीक है बच्चों, ओके। अब अगर मैं सी की बात करूं, अगर ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर बी है, तो सी कितना होगा, सी कितना होगा, तो सी पे जाने के लिए कैसे करना पड़ेगा हमें, पहले यहां पे कितना यूनिट चलना पड़ेगा, बी, फिर ये इस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, डी, ये तो दोनों सेम है, ये भी तो वेक्टर डी होगा और ये वेक्टर बी होगा, सही बात है, क्योंकि पैरेलल पाइप है, पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है नीचे जो बेस बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये डी होगा,
अगर ये डी वेक्टर है, डी है और ये ओ है, तो ऑब्वियसली इसके पोजीशन वेक्टर डी होंगे क्योंकि ओरिजिन से कनेक्ट है। तो मैंने कहा ये वेक्टर डी है तो ये भी डी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये तो बात सही है। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विल बी कैसे, बी प्लस डी। भाई ओ सी होगा या नहीं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, ओ सी। दैट मीन्स ओ से चलो सी तक, ओ से चले बी तक, फिर बी से चले सी तक, कैसे, बी एंड सी डी। तो बेटा वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ऑल राइट, कौन, ओ सी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ए एफ, बताइए पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एफ या एफ, पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ, तो बेटा ओ एफ, तो एफ तक जाना है, कैसे करें, पहले ए यहां जाओ, फिर इधर आओ, फिर ऊपर चले जाओ, ऑल राइट। तो ऊपर वाले का नाम तो मैंने दिया ही नहीं, ऊपर वाले का नाम दे दो सी, नहीं एच, एच इसके पोजिशन वैक्टर मान लेते हैं एच है, ठीक है बच्चो, ओके। तो पहले B गया, फिर D गया, और फिर बेटा कितना जाना पड़ेगा, H। तो B प्लस D प्लस H वेक्टर, ये होंगे बेटा F के पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये O है, ये O है, इस वजह से H के पोजीशन वेक्टर ये हैं। ऑल राइट, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, चलिए ओके। देखो यहाँ पे O वेक्टर है, तो ये पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये O ना होता, मतलब ओरिजिन ना होता, तो कैसे करते, ये आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये O ना होके A होता, मान लेता मैं कि जो पॉइंट A है उसका पोजीशन वेक्टर A है, B का B है, C का C है और D का D, C की जरूरत नहीं थी, D का D है और H का H है। तो मैं ये कहता कि ये जो वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर, इसका नाम होता b माइनस a। तो मैं कहता c का अगर आपको निकालना है तो पहले b माइनस a, फिर ये इसका क्या नाम देता मैं, d माइनस a। तो b माइनस a प्लस d माइनस a आता क्या, ac। कौन आता, ac वेक्टर। ac वेक्टर क्या आता बेटा, दोबारा बता रहा हूं, b माइनस a और फिर ये किसके इक्वल है, डी माइनस ए के। तो बी माइनस ए प्लस डी माइनस ए, ये कौन सा वेक्टर आता, ए सी वेक्टर। ऑल राइट, वो कब की बात थी, जब ये ओरिजिन ना होता, अभी तो ये ओरिजिन है तो बात ही खत्म हो गई, ये बी हो गया, ये डी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस डी, दैट्स इट। ऑल राइट, चलिए एफ मुझे पता चल गया, ए मतलब सॉरी बी डी और एच चले गए ऊपर, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, ओ एफ, ओरिजिन को अगर एफ से कनेक्ट कर दूं, ओ एफ कह लो या ए कह लो, चलो इसका नाम ना ओ ही ले लो यार, ओ ही ले लो इसका नाम। ऑलराइट, तो ओ एफ मिल गया है मुझे। अब मुझे और क्या निकालना है, मैंने बताया था ना कि डी जी जो होगा लाइन, और जो लाइन है ओ एफ वो एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले मैंने ओ एफ निकाल लिया, अब मैं डी जी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डी जी, ठीक है। तो पहले मैंने कहा जी के पोजीशन वेक्टर बताओ, फिर निकालेंगे डी जी। तो ओ जी वैक्टर होगा पोजिशन वैक्टर। तो जी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बी में जाना पड़ेगा, फिर ऊपर कितना जाना पड़ेगा, एच, ठीक है। तो मैंने कहा बी वैक्टर प्लस एच वैक्टर, बेटा ये हो गया OG वेक्टर। अब बात आई DG निकालो, DG वेक्टर, DG वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ G कितना है, ऊपर लिखा है B प्लस एच। पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D दैट इज D। तो ये आ गया B प्लस एच माइनस डी, बेटा ये आ गया डी जी, डी जी आ गया ये। ऑल राइट, डी जी मिल गया मुझे एंड ओ एफ भी मिल गया, ओ एफ भी मिल गया। ऑल राइट, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये किस रेशियो में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ऑल राइट, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ओके
क्या ये इंटरसेक्ट करते भी हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। तो मुझे मान लेता हूं जो ओ एफ वेक्टर है, मान लेता हूं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है एक पी, तो लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओ एफ एंड डी जी इज पी, ठीक है ना, पी पॉइंट है वो, उसका पोजिशन वेक्टर भी मैं पी मान रहा हूं, ठीक है, पी पॉइंट है, पोजिशन वेक्टर को भी पी मान लिया, मान लेते हैं जस्ट ऐसे ही, नहीं तो पी नाम मान लो कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशन वेक्टर अब निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं जो पी पॉइंट है वो ओ एफ को लैम्डा वन इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या लैम्डा इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, चलेगा, लैम्डा इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा इस हिसाब से तो जो पी होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ बी डी एच, ठीक है, प्लस वन टाइम ऑफ जीरो बाय लैम्डा प्लस वन, ये हो जाएगा। तो ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी, ओ एफ के पोजिशन वेक्टर पता है हमें। अब पी को मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करूंगा, कैसे, कि मान लेता हूं जो पी पॉइंट है वो डी जी को वन इंस टू लैम्डा के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या लैम्डा इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो म्यू, सॉरी म्यू, वन इंस टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो म्यू इन टू जी मतलब बी प्लस एच, ठीक है, प्लस प्लस क्या, वन इंटू डी, या वन इंटू म्यू, म्यू इंटू वन, म्यू इंस टू वन रेशियो ले लो या वन इंस टू म्यू ले लो, बात पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है इस वजह से ऐसा किया है। ऑलराइट, ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है बेटा, यहां पे समझ आ गया। अब इन दोनों को देख के मुझे एकदम साफ दिख रहा है कि इफ लैम्डा म्यू इज इक्वल टू वन हो जाए, लैम्डा एंड म्यू जो है वो बेटा वन हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, बी डी एच अपॉन टू, नीचे भी उप, यहाँ पे भी बी डी एच अपॉन टू, तो दोनों सेम हो जाएंगे अगर ये लैम्डा और म्यू सेम हो गए। इससे यहाँ से ये पता चल गया बेटा कि लैम्डा की वैल्यू वन और म्यू की वैल्यू भी वन, इसका मतलब जो पी है वो ओ एफ को किस रेशियो में डिवाइड करती है, वन इंस टू वन, मतलब बीच में से, ठीक है, मिड पॉइंट है, ओके, और म्यू मतलब डी जी को वो भी वन इंस टू वन, मतलब मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मुझे एकदम से पता चल गया जो वेक्टर ओ एफ है और जो वेक्टर डी जी है, या लाइन जो है ओ एफ और डी जी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वो एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। इस टाइप से हम वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने डी जी वैक्टर निकाल लिया, ओ एफ वैक्टर निकाल लिया, अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए एंगल बिटवीन डी जी वैक्टर एंड ओ एफ वैक्टर, उनके बीच का एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज इस क्वेश्चन में यही होती है कि वेक्टर निकालना, उसके बाद एंगल कैसे निकालते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड यू नो वेरी वेल कि डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, ठीक है, इनके बीच का तो एंगल दिया जाएगा, मतलब बी और डी के बीच का एंगल पता होगा, बी और एच का पता होगा, ऐसे कुछ चीजें तो पता होंगी आपको, फिर जाके पूछेगा कि बताइए आप पैरेलल पाइप का जो डायगनल है, मेन डायगनल्स, जैसे ओ एफ और डी जी जो मेन डायगनल है ये दो, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, इंटरसेक्ट तो करते हैं ये, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, क्या ये 90 पे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, 90 पे नहीं होते, वो तो निकालना पड़ता है, ठीक है, तो वो तो हम निकाल ले जाएंगे कैसे, डॉट प्रोडक्ट से, तो वो आगे हम वर्कआउट करेंगे इस चीज पे भी। अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की बात होगी तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकल जाता है बच्चों, बात समझ गए। तो अब इसमें कुछ भी निकालने को बोल दे हम निकालेंगे, कुछ भी निकालने को बोल दे, ठीक है, मान लो ये बोल दिया कि इसका जो मिड पॉइंट है और ये वाली सामने वाली साइड है, इसका जो मिड पॉइंट है इन्हें कनेक्ट करो, फिर इसका मिड पॉइंट और ये सामने वाली लाइन इसे कनेक्ट करो,
ये एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करेंगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो मिड पॉइंट है ना, इनके पोजिशन वैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इसके लिए मुझे पहले ऊपर ट्रेवल करना पड़ेगा एच यूनिट, और इस साइड में ट्रेवल करना पड़ेगा हाफ, ये बी है भाई। अगर ये बी है तो ये भी तो बी होगा ना, ठीक है, ये भी बी होगा, ये भी बी है, ये भी बी है, तो कितना जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, बी बाई टू। तो मैं अगर इसके पोजिशन वैक्टर की बात करूं, जो इसका एच जी का मिड पॉइंट होगा वो होगा एच प्लस बी बाई टू, उसका पोजिशन वैक्टर मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम इस पे कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे और एंगल क्या, हर चीज निकाल के देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पैरेललो पाइप पे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से पैरेललो पाइप की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। आपको क्या करना है, ओरिजिन और पॉइंट्स को सेट करना है। अगर पॉइंट नहीं दिए गए हैं तो, अगर जस्ट ऐसा कुछ कहा है कि एक पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसके जो मेन डायगोनल है उन्होंने बता दिया, पैरेललोग्राम का नाम बता दिया, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललो पाइप, उसके जो मेन डायगोनल है ओ एफ और डी जी, वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया, या उनके बीच का एंगल क्या रहेगा ये पूछ लिया, लेकिन उन्हें ये दो तीन चीजें देनी पड़ेंगी कि जो उनकी साइड्स के बीच का एंगल है वो इतना है, तब जाके फिर हम वर्कआउट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। ऑलराइट, तो बेसिक चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी, बाकी आगे देखेंगे, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।